अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ्रोज़न चिकन बनाने वाला हूँ, तो ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन, इसको कैसे बनाते हैं मेरे तरीके से, खान के तरीके से। ये देखें, ये तकरीबन 1 kg चिकन है और इसमें 2 ऑनियन डाल रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से मोटे मोटे बेशे काट लें। बड़ा आसान तरीका है, इतना एहतमाम नहीं करना, जल्दी जल्दी ये बन जाएगा। इसको डी फ्रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डी फ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं खान का तरीका है उसमें डी फ्रोस्ट आप देखेंगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 छोटे छोटे टमाटर डाल रहा हूँ, मेरी वाइफ बिजी थी इसलिए वो नहीं वीडियो बना रही, तो ये स्टैंड में लिया हुआ है वीडियो का, खुद ही बना रहा हूँ वीडियो। बच्चे ऊपर हैं, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं स्कूल से। स्कूल तो वर्चुअल स्कूल है, लेकिन स्कूल जा नहीं रहे पैंडेमिक की वजह से। बस इसको मोटे मोटे काट लें और ज़्यादा तमाम नहीं अब करना मैंने, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सालन बनेगा। आपने ग्रेवी बनानी है ग्रेवी बना लें, या इसका शोरबा ज़्यादा बनाना है शोरबा बना लें। और ये देखें, फ्रीज किए हुए ये लहसुन के जवे हैं, तकरीबन 10-15, ये ऐसे डाल देने मैंने, ये ऐसे डाल देने से, बस कोई इसको काटने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये जो है जिंजर अदरक मैंने पीस किया हुआ है, इसको ये देखें पीस किया हुआ है, इसको आप डिफ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखें आप, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा और आप उंगलियां चाटते रहेंगे। और इस केटल में मैंने पानी गर्म किया हुआ है, ये देखें इसमें मैंने पानी गर्म किया हुआ है, तकरीबन 2 लीटर है इसमें, तो इसको सारा पानी इसमें डाल देना है। और साथ ही ये देखें, अभी इसमें नमक मिर्च मसाला हसबे जायका साथ ही डाल देना है, और मेक श्योर करें कि इसको हाई आंच पे, जब आपने इसको हांडी को बनाना है तो हाई आंच पे बनाएं। और पानी ऑलरेडी गर्म है इसमें, तो ये तकरीबन छोटे चम्मच 4 डाल रहा हूँ इसमें। इंशाल्लाह देखेंगे आप कि ये शोरबे वाला चिकन बड़ी जल्दी और बड़ा मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये हल्दी है, हल्दी को ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल के तौर पे भी काम आती है, और वैसे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में या चोट लगती थी तो हम दूध में गर्म करके, दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल के तो पिया करते थे, तो इसके लिए जो इंटरनल जो चोटें लग जाती हैं बाज का, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर ज़्यादा रखें, ठीक है। नमक जो है वो सॉरी, वो बातों बातों में थोड़ा सा ज़्यादा डाल गया, कोई बात नहीं। इसी तरह इसमें काली मिर्चें डाल रहा हूँ थोड़ी सी, ये देखें ये काली मिर्चें, ये इसमें तकरीबन 15-20 दाने ये डाल रहा हूँ। और ये लौंग हैं, ये लौंग तकरीबन 4-5 डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये बड़ी इलायची तकरीबन 2 छोटे पीस इसमें, ताकि जो थोड़ी बहुत फ्रीज़ किया हुआ चिकन होता है उसमें थोड़ी सी हमक बाकी रह जाती है, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और आप अंदाज़ा करेंगे कि देखेंगे कि आप मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब ये बन जाएगा ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार हांडी और बड़े अच्छे तरीके से बनी है। ये देखें, ये ऑयल भी इसमें तकरीबन मैं 2 जो है चम्मच डाल रहा हूँ, ये देखें डल गया। अब अच्छी तरीके से ये देखें इसमें हांडी जो ना वो ये अब गर्म होना शुरू हो गई है, तो इसी में आप चिकन डाल दें, ठीक है। ये चिकन डाल दिया है, ये मैंने चिकन जो ये फ्रीज किया हुआ था, धो के फ्रीज किया हुआ था, इसको मैं सारा फैट निकाल के और धो के अच्छी तरीके से इसको मैंने पैक कर दिया हुआ था। अब ये देखें, इसको लिड के साथ मैंने ढांप दिया है हंडी को, और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से बनने दें, छोड़ दें इसको बिल्कुल, आपने देखना नहीं है। 10-15 मिनट इसको आप अच्छी तरीके से बनने दें, और उसके बाद फिर मैं ये बाद में बताता हूँ कि ये मैंने एक कच्चा जो है ना, जो क्या कहते हैं, एक ऑनियन जो है ये इसमें मैंने उसको टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ये इसमें डाल दें।
इस स्टेज में आप देखेंगे कि ये देखें जो गोश्त है लदा लदा हो गया है और अंदरला गल भी गया है। 10-15 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया है और पानी मैंने पहले बॉयल डाला हुआ था। तो इस स्टेज में आके आपने ये एक प्याज जो कच्चा है वो इसमें डाल देना है। इसका टेस्ट देखें फिर किस तरह इन्हेंस होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। और इसी तरह ये जो हरी मिर्च है इसको मैं काट के डाल रहा हूँ ताकि इसमें वो खुशबू बन जाए और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा बन जाए। अब ये तकरीबन मैंने 10-15 मिनट के बाद दोबारा इसको मैं खोलता हूँ और ये देखिए अंदर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें ये रोस्टेड ज़ीरा है, ये रोस्टेड ज़ीरा कुंडी, छोटी सी कुंडी है मेरे पास, इसमें डाल रहा हूँ और साथ ही ये छोटी इलायची तकरीबन 2 पीस डालूँगा। इससे ना थोड़ा सा टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा। लेकिन इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से ये कुंडी में मैश कर लूँगा अच्छी तरीके से। अब ये इसमें डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और ये मैं रोज़ाना ये 3 अखरोट खाता हूँ। ये देखें अखरोट हैं, ये अखरोट हैं और इसको क्रैक करके तो आप रोज़ाना खाएं, इससे जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जो है वो काफ़ी अच्छे हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको क्रैक करके तो इसमें यह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, साथ ही ये बैकयार्ड से मैं लेके आया हूँ फ्रेश धनिया, तो इसको थोड़ा सा काट के इसमें डाल दूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू है और ग्रेवी बड़ी अच्छी बनी है, बहुत अच्छा सालन बना है। अब इसको इसमें डालते हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ था ये फ्रेश घर का धनिया, सुभान अल्लाह, इसको काट रहा हूँ तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बड़ा प्यारा ये देखें सालन बना है। और इसमें किसी किस्म का मैंने तमाम नहीं किया, फ्रोज़न ये जो गोश्त था, ठीक है, मुर्गी का गोश्त था, और इसी तरह मैंने फ्रोज़न जो लहसुन रखा हुआ था वो भी इस्तेमाल किया है, और इसी तरह जितनी मैंने फ्रीज किए हुए था ये अपना जिंजर अदरक वो सारा इसमें डाला है और गर्म पानी करके डाला है। किसी किस्म का मैंने कोई तरद्दुद नहीं किया, किसी किस्म की और कोई एफर्ट नहीं की, बस ये आप यकीन करें बड़ा मज़ेदार सा सालन बना है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्विक और बड़ी अच्छी रेसिपी है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इसी मैच के साथ खान को इजाज़त दें और अपना अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।